भाई एक पांच वाला बॉल पेन देना। दादाजी यार क्या खा लिया आज आपने ऐसा जो इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी बाहर आओ। बेटा इस उम्र में हाजमा खराब हो ही जाता है, जब तू मेरी उम्र में आएगा ना तब समझेगा इस बात को। जल्दी निकलो यार। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ रह गए यार तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही हूँ, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। बेबी यार बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो दादाजी का थोड़ा सा प्रेशर बन गया था तो इस वजह से लेट हो गया। जब तुम्हारे बस की नहीं तो क्यों बोला कि ट्यूशन बंक करके मूवी देखने जाएंगे? नहीं नहीं मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ बेबी, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा यार। चलो ठीक है जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे तुम्हारा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। दादाजी हो गई क्या यार? हाँ पुत्र होगी। हाँ तो जल्दी बाहर निकलो। इधर। सॉरी बेबी, वो दादाजी का थोड़ा प्रेशर बना हुआ था, उनका पेट खराब चल रहा है ना आजकल इसलिए। तो तुम क्या धोखे आए हो? अरे नहीं नहीं, वो दादाजी अंधे है ना, देख नहीं सकते, तो बस उन्हें बाथरूम से बेडरूम तक छोड़ना पड़ता है। वैसे तो उन्हें पूरे घर का अंदाजा है, लेकिन अगर मैं आसपास होता हूँ तो थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब चले मूवी देखने। लेकिन बेबी मूवी तो हम जा ही नहीं सकते, वो टिकट 600 रुपए की हो रही थी हम दोनों की, और मेरे पास सिर्फ 450 रुपए थे, एक ही टिकट हो पाती। तो मेरी टिकट बुक कर दो ना, 300 की टिकट और 150 के पॉपकॉर्न, और तुम ट्यूशन चले जाओ। बेबी मेरा तो दिल सा टूट गया ये बात सुन के, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा कुछ बोलोगी। लगा तो मुझे भी नहीं था कि तुम इतने गरीब निकलोगे, पहले तो मूवी के सपने दिखा दिए। खैर अब क्या करना है ये बताओ। एक काम करते हैं, मेरे घर पे चलते हैं, सिर्फ मैं और तुम, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और चिल करेंगे। यार तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और तुम इसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं नहीं प्यार तो करता हूँ। सुनो हम लड़कियों को पता है क्या पसंद होता है? घूमना फिरना, शॉपिंग करना, कैंडल लाइट डिनर करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। वैसे तुम लड़कों को क्या पसंद होता है? हम लड़कों को तो हमें भी यही सब कुछ पसंद है बस, अगर तुम कह रही हो तो कुछ खाने पीने चल लेते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं आज तो तुम्हारे घर ही चलेंगे, वो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, वैसे तुम्हारे घर में घर वाले नहीं होंगे? अरे नहीं घर पे तो बस दादाजी रहते हैं और वो देख नहीं सकते, मैंने तुम्हें बता ही दिया, तो किसी को पता नहीं चलेगा कुछ भी। चलो घर पे ही चलते हैं। पक्का? हाँ पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल ब्रेंक हो जा, आ जा। दादाजी मैं आ गया। हाँ बेटा वो तो दरवाजे की आवाज से पता चल ही गया, वरना और कौन ही आता है इस घर में तेरे अलावा। आज वैसे ट्यूशन से जल्दी छुट्टी हो गई तेरी? हाँ दादाजी वो सर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने जल्दी छुट्टी कर दी। हाँ बेटा बीमारी तो चल ही रही है। अच्छा दादाजी मेरे को कुछ ट्यूशन का काम करना है, मैं चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, मन लगा के काम करियो, जब हम तेरी उम्र में थे हम भी पूरा मन लगा के काम किया करते थे। बेबी आर यू रेडी? रेडी? ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। मुझे नहीं करना ये सब, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? बेबी मौका है, दस्तूर है, और यहाँ तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, फिर तुम्हारा मूड क्यों नहीं है? तुम मूवी दिखाने तो लेके नहीं गए, और शाम को मेरे फेवरेट टीम का मैच है, उसके लिए और लेट हो जाऊंगी मैं, पर देखना मेरी फेवरेट टीम ही जीतेगी। तू बड़ी एक्साइटेड है T20 लीग 2021 के लिए? अगर तुझे इतना ही इंटरेस्ट है और तेरे को नॉलेज और स्किल्स हैं तो तुझे एक ऐप बताता हूँ जहाँ तू करोड़ रुपए तक जीत सकती है। My11Circle नाम है ऐप का। क्या बात कर रहे हो? हाँ यहाँ तू रहाने, दादा और VVS के साथ टीम बना सकती है, और सिर्फ लेजेंड क्रिकेटर ही नहीं, यहाँ मेरा फेवरेट रणवीर सिंह भी है। यार कितना सस्पेंस रखोगे, जल्दी बताओ ना। अरे बहुत इजी है, तुझे 2 प्लेयर टीम में से 11 प्लेयर चूज करके अपनी टीम बनानी है, और तुझे पता है T20 लीग चल रही है, यहाँ तू 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक जीत सकती है, जो कि इनका फर्स्ट प्राइज है, और इनका मेगा लीडर बोर्ड प्राइज है 2 करोड़ का, और अगर तूने लक्ष्मण की टीम को हरा दिया तो तुझे मिलेंगे 5 टाइम कैश, है ना मजेदार? ये तो बहुत कूल है। यही नहीं तुझे 1500 रुपए एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स को 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे, और सारे विनिंग अमाउंट डायरेक्ट तेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ये देख कितने सारे लोग जीत चुके हैं। मैं भी यूज करती हूँ My11Circle। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और अपनी टीम बना जीतने के लिए। मैं अभी बनाती हूँ। वैसे अब तुम्हारा मूड कुछ ठीक सा लग रहा है, अब तो हम प्यार कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओ मनीष,
एक बार देखते हैं दादाजी क्या कह रहे हैं। बोलिए दादाजी। बेटा सुनिए न्यूज में क्या कह रहे हैं, आज से लॉकडाउन लग गया, अगर कोई भी अपने घर से बाहर गया तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। सरकार के अगले आदेश से पहले कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। क्या? हाँ एक मिनट, बेटा ये तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, वो न्यूज ही कुछ ऐसी है ना कि मेरी तो सुनकर ही फट गई। किसका फोन है बेटा? दादाजी वो मेरे दोस्त का फोन है, मैं एक बार बात करके आता हूँ। अब क्या बोलूं पापा को? बोल दे कि ट्यूशन पे यूं सर नहीं आने दे रहे। अगर पापा को शक हो गया फिर? चलो ठीक है, तुम शांत रहना, मैं पापा से बात करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा, लॉकडाउन लग गया, आप कहाँ हो? पापा मैं तो ट्यूशन पे हूँ, और सर ने कहा है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक सारे बच्चे यहीं रहेंगे। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ आ जाने की, अगर आज आ गया तो ठीक है, वरना मैं कल तो पक्का ले जाऊंगा आपको। ठीक है पापा। क्या बोल रहे अंकल? पापा ने कहा कि वहीं रुक जाओ, मैं सुबह लेने आऊंगा। क्या बात कर रही हो, तो आज रात तुम यहाँ मेरे साथ ही हो, मतलब रात को तो तूफान उठेगा। बेटा मनीष एक बार यहाँ आई हो। मैं एक मिनट दादाजी से पूछ के आता हूँ क्या कह रहे हैं। तुम इतने कुछ रात का प्लान बनाओ सेक्सी का। जी दादाजी बोलिए। बेटा आज अपने दादाजी को एक कप बढ़िया सी चाय बना के पिला दे, और एक बार भाग के बीड़ी का बंडल ला दे, वो क्या है ना मेरी बीड़ी खत्म हो रही है। जैसा आप बोलो दादाजी, मैं अभी आपको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाता हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहा है, कोई लोटरी वोटरी लग गई क्या तेरी? ऐसा ही समझ लीजिए दादाजी, वो क्या है ना कि अब लॉकडाउन लग गया है तो घर से बाहर तो जा नहीं सकते, आपके साथ थोड़ा समय बिताने को मिल जाएगा। वैसे भी पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में इधर उधर जाना पड़ता था, आपके साथ टाइम ही नहीं मिल पाता था। चलो मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। बेटा मुझे नहीं पता था तू अपने दादा से इतना प्यार करता है, आज तेरे लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई। आज अपने दादा के गले लग जा, भगवान करे तेरे जैसी औलाद सबको मिले। आजा। आजा पुत्र, अपने बूढ़े दादा को गले लगा के मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दे। ये कैसी आवाज निकाल रहा है तू? क्या हूं? एक बार कह दिया समझ नहीं आता, आ गले लग जा, आजा। ओ तू पागल हो गया है, इधर आ। ओ पुत्र, तेरी कमर पे तो बड़ा ही फैट है, तू जिम विम नहीं जाता क्या? ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? दादाजी ये क्या कर रहे हो आप? ओ मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो तुझे इतनी देर से कह रहा हूं गले लग जा, पर तू ऊ किया जा रहा है। दादाजी वो मैं सुपारी खा रहा था। पुत्र तू सुपारी खाने लग गया, गलत बात। ठीक है तो आज के बाद नहीं खाऊंगा, आपने मना कर दिया तो कर दिया। बस ये तेरा प्यार ही तो मुझे मरने नहीं देता, आज के टाइम में कौन इतनी इज्जत करता है अपने दादा की। जा तू चाय बना, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। जब मैं तुझे अंदर छोड़ के आया था तो तू यहाँ क्या मटकती फिर रही है? मैं तो तुम्हारे पास ही आई थी, बीच में तुम्हारे दादाजी ने पकड़ लिया, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने मुझे पकड़ा ना, ना ही तो वो मुझे बुढ़े लगे और ना ही हंदे, एक नंबर के ठरकी लग रहे थे। राम राम राम, तू मेरे दादाजी पे शक कर रही है? तुझे पता है वो कितने सज्जन आदमी है, उन्होंने कभी मेरी दादी तक को टच नहीं किया, तो तुझे क्या करेंगे? ठीक है छोड़ो ये सब, मुझे बहुत गर्मी लग रही, मैं जा रही हूँ नहाने, कपड़े तो मैं यही पहन लूंगी, बस तुम अपना टॉवल दे दो। हाँ वो बाथरूम में रखा है, मैं अभी बस आ रहा हूँ, दादाजी को चाय दे आऊं और उनकी बीड़ी ले आऊं। ठीक है? ठीक है। We'll be right back.
दादाजी यहाँ क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा मैं तो तेरे पास ही आया था, तूने चाय बहुत ही स्वाद बनाई थी, अगर थोड़ी सी बची है तो दे दियो। नहीं बची तो नहीं हुई, लेकिन मैं आपके लिए और बना दूंगा। अरे बेटा तेरी इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। चल तू एक काम कर, चाय बना के ला, मैं बाहर ही बैठा हूँ। भगवान तेरी जैसी औलाद सबको दे। क्या तुम्हारे दादाजी सच में अंधे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे घूर के देख रहे थे ना, किसी भी एंगल से लगा नहीं कि वो अंधे हैं। यार बेबी तुम दादाजी पे कैसे शक कर सकती हो, वो बेचारे बूढ़े और अंधे आदमी हैं। देखो मैं समझ सकता हूँ अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज की रात बहुत ही हसीन होने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, दादाजी को चाय और डिनर एक साथ बनाकर दे आता हूँ, उसके बाद हम दोनों चिल करेंगे। सुबह से बस तुम बोल ही रहे हो कि चिल करेंगे, अभी तक तो कुछ किया नहीं। बेबी ये रात तुम्हारी आज तक की सबसे बेहतरीन रात होने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं अभी आता हूँ। बेबी दादाजी ने चाय भी पी ली, उन्होंने डिनर भी कर लिया और वो सोने के लिए भी चले गए। अब इस हंसी रात में मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। और जो हम दोनों के बीच आया समझो वो मर गया। बेबी ऐसे रोमांटिक टाइम पे इतने खतरनाक डायलॉग कौन मारता है? तुम सनी देओल की फैन हो क्या, वो पसंद है क्या तुम्हें? हाँ, और तुम? शक्ति कपूर। तो शुरू करते हैं। बेटा तुझसे कुछ बात करनी थी। दादाजी आप तो सोने चले गए थे। अरे मुझे आज नींद ही कहाँ आ रही है, तूने आज जो अपने दादा को इज्जत मान सम्मान दिया है उसके लिए तो हर बूढ़ा तरसता है, इसी वजह से तेरे लिए मेरे दिल में आज और इज्जत बढ़ गई। दादाजी वो तो मेरा फर्ज था, और आप कोई पराये थोड़ी ना हो। चलो अब आप आराम कर लो, मुझे भी नींद आ रही है, और आप ज्यादा इमोशनल मत हुआ करो। नहीं बेटा आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो दोनों दादा पोता साथ ही सोएंगे। क्या क्या ये तेरी आवाज डबल डबल क्यों आ रही है? दादाजी वो सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, पेट खाली है इसलिए आवाज गूंज रही है। लेकिन आप वो सब छोड़ो, आप अपने रूम में सो जाओ ना। नहीं बेटा जब तूने सुबह बोला ना हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, मैंने तो उसी टाइम सोच लिया दोनों दादा पोता एक साथ सोएंगे आज तो। चल साइड में थोड़ी जगह बना, मुझे नींद आ रही है। दादाजी अपने रूम में सो जाओ ना प्लीज। चुप कर, तेरा दादा हूँ, तुझे ऑर्डर भी दे सकता हूँ, उधर खिसक। दादाजी दादाजी एक काम करते हैं ना, मैं आपके रूम में सो जाता हूँ, आप यहाँ सो जाओ। अबे गधे साथ सोने के लिए तो तेरे रूम में आया हूँ, नहीं मैं अपने रूम में नहीं सो जाता, सो जा चुपचाप। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और घंटा भी आ रहा होगा, दोनों दबा लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं नई वीडियो डालूं। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द माई 11 सर्कल ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, लिंक फॉर एक्स्ट्रा 20% कैश। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।